नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना कटी हुई लहसुन का भंडारण हमें किस तरीके से करना चाहिए कि जिससे कि लहसुन के ख़राब होने की संभावना बिल्कुल भी न रहे। किसान भाइयों, यदि आपको अभी लहसुन की कटिंग करने का समय नहीं है तो आप 5 महीने 6 महीने तक इस तरीके से बिना कटी हुई लहसुन का भंडारण कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिना कटी हुई लहसुन का भंडारण करना चाहते हो तो आपको दोनों साइडों में लहसुन के घाटी की रखना है और बीच में आपको लहसुन के पौधे को रखना है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप इस तरीके की लाइनें बना रहे हो और भंडारण कर रहे हो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि दो लाइनों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट के बीच की दूरी छोड़ना है, जिससे कि हवा का आवागमन रहेगा तो लहसुन के खराब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से अगर लहसुन का भंडारण कर रहे हो बिना कटी हुई लहसुन का, तो आपको हमेशा छायादार जगह पर ही करना है कि जिससे कि धूप नहीं लगेगी तो लहसुन के खराब होने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो आप छायादार जगह पर इस तरीके से लाइनें बनाकर बिना कटी हुई लहसुन का भंडारण आसानी से कर सकते हैं और आप चाहे जब समय मिले तब आप उसकी लहसुन की कटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी लहसुन खराब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है कि लहसुन का भंडारण आपको किस तरीके से करना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए।